हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन, जो कि क्लास टेंथ के साइंस टू का चैप्टर नंबर टू है और ये एसएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल वीडियो है। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। आज पहला पॉइंट है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स, बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन कंटिन्यूस अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, और इसके साथ साथ जैसे कि कुछ सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड कंट्रोल सिस्टम और अलग अलग बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स, इन सब सिस्टम को एक साथ और फुल कोऑर्डिनेशन के साथ ये लोग उसे कंट्रोल करते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम कंट्रोल करने का काम होता है, ये किसी ऑर्गेनिज्म में कम टाइम में होता है और किसी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा टाइम में होता है। और जो इतना फंक्शन ये लोग परफॉर्म करते हैं, उसके लिए कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी फैट्स एंड लिपिड्स, ये जो होते हैं ये एनर्जी के मेन सोर्स होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया से हमें मिलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। जो भी हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलता है, और सिर्फ फूड से एनर्जी नहीं मिलता, हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जो भी हम फूड और हम खाते हैं या फिर जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी में पहुँचाया जाता है। इसके अलावा जिसकी वजह से ये जो बॉडी होता है हमारा पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में रहता है और हर एक फंक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं। यानी हर एक फंक्शन, यानी जो बाहर से हम देख सकते हैं वो फंक्शन, अंदर के फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लाइफ होती है, सबके सब का अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन है एनर्जी प्रोडक्शन में, और सबको इस एनर्जी प्रोडक्शन में भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमंस और एनिमल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाकर उससे एनर्जी लेता है। प्लांट्स जो होता है वो ऑटोट्रॉफ होता है, यानी वो अपना फूड खुद से बनाता है। ये क्या करते हैं, ये फूड जब अपना बनाते हैं, जितनी एनर्जी इनको चाहिए रहती है उतना ये लोग कंज्यूम कर लेते हैं, और बाकी की एनर्जी ये लोग अपने पार्ट्स, अपने जो उनका प्लांट का जो पार्ट रहता है, जैसे फ्रूट, लीव्स, स्टेम, रूट्स, इन सब में वो स्टोर करके उसे रख देते हैं। और जब ये पूरे मटेरियल जो रहते हैं उन्हें हम लोग खाते हैं, तो उन्हें हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमें मिलता है। फिर कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है वो हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल्क से, फ्रूट से, जैगरी, केन शुगर, वेजिटेबल्स, पोटैटोस, स्वीट पोटैटोस, स्वीट मीट्स और सीरियल्स, जैसे वीट में से मेज, रागी, ज्वार, मिलेट, राइस, इन सब में से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो चलिए पढ़ते हैं हमें ये जो एनर्जी मिलती है वो किस, कौन कौन से प्रोसेस के बाद हमें एनर्जी मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन जो होता है वो दो लेवल पे होता है, एक तो बॉडी लेवल पे, दूसरा सेलुलर लेवल पे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वे एक्सचेंज किए जाते हैं एक दूसरे से, और ये रेस्पिरेशन जो होता है ये बॉडी लेवल में होता है, यानी ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ रहेगा वहाँ से हट के ऑक्सीजन रिप्लेस होकर वहाँ पर लग जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी उसे एक्सेल कर दिया जाएगा। और सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि जो फूड्स वगैरह हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके थ्रू जो भी ऑक्सीजन मिलता है वे उसमें यूज किए जाते हैं। अब एनर्जी प्रोडक्शन में जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग फूड से, हमें खाने से हमें मिलता है, वे मतलब डेली वो यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में, और जो ये एनर्जी रहती है वो एटीपी के फॉर्म में हमें मिलता है, और इसके लिए ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ टाइप्स को
स्टेप बाय स्टेप सेल के अंदर ऑक्सीडाइज किया जाता है और इसे ही बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल्स में जो एनर्जी पहले से स्टोर्ड रहती है वो एटीपी के फॉर्म में जो हमें मिलता है हम उसे यूज करते हैं, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप से होता है और ये दो टाइप है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी इसके अंदर ऑक्सीजन रहता है, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होता, यानी इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं रहता और एरोबिक में रहता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है वो तीन टाइप से ऑक्सीडाइज किया जाता है, इसमें से पहला टाइप है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है, यानी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल रहता है उसे स्टेप बाय स्टेप उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है और इस प्रोसेस में हर एक के दो दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, जैसे कि इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, फिर इसमें ऑक्सीडाइज होने के बाद पाइरुविक एसिड, एटीपी, एनएडीएच2 और वाटर इसमें फॉर्म होता है, यानी उस ऑक्सीडाइजेशन के बाद ये बनता है। अब पाइरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल इसमें फॉर्म होता है उसे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर इस प्रोसेस में NADH2 के दो मॉलिक्यूल, CO2 के दो मॉलिक्यूल रिलीज किए जाते हैं। फिर दूसरा टाइप है जो मतलब इसमें हम लोग ने तीन प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, दूसरा जो है वो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसमें क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम का जो दो मॉलिक्यूल था वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, अब वहाँ पे वो साइक्लिक चैन यानी वो घूमता रहता है जिस रिएक्शन को बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म किया जाता है। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसिटाइल पार्ट रहता है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, यानी जो साइक्लिक प्रोसेस रहता है उसमें पूरा का पूरा उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसमें CO2, H2O, NADH2, FADH2 ये फॉर्म होते हैं। फिर तीसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाले प्रोसेस में NADH2 और FADH2 फॉर्म हुए हैं, जो ऊपर का प्रोसेस था, ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इसके वजह से ATP के तीन मॉलिक्यूल्स NADH2 के मॉलिक्यूल से और दो मॉलिक्यूल ऑफ ATP से फॉर्म होते हैं और या और FADH2 से दो ATP फॉर्म होता है, NADH2 से तीन मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं ATP के, यानी मतलब ATP फॉर्म हुआ यानी एनर्जी फॉर्म हुआ। ATP के अलावा इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होते हैं, यानी NADH2 के प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन रिएक्शन में वो लोग जाते हैं तो NADH2 से तीन मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं और FADH2 से दो मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं और इसके साथ साथ वाटर भी इसमें फॉर्म होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और इसमें जो ग्लूकोज होता है उसके मॉलिक्यूल पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर दिए जाते हैं और ये ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें CO2 के मॉलिक्यूल्स और H2O के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए जाते हैं एनर्जी के साथ, आप डायग्राम देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रेट को जब बॉडी में पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता यानी एनर्जी की कमी हो जाती है और एक इस टाइम होती है जब हम भूखे रहते हैं या फिर जब हम लोग उपवास वगैरह करते हैं तो इस टाइम में हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो इस टाइम पे लिपिड और प्रोटीन के थ्रू पूरे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम किया जाता है। जो लिपिड रहता है वो फैटी एसिड में और जो प्रोटीन रहता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फैटी एसिड और अमीनो एसिड दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे एनर्जी फॉर्म होती है। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन किया जाता है और क्रेन साइकिल में किया जाता है और ये पूरा प्रोसेस हो जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे हमें एनर्जी फॉर्म होती है, यानी जब हम उपवास रखते हैं तब भी हमें एनर्जी मिलती रहती है। वो किस वजह से होता है,
जो लिपिड्स हमारे बॉडी में पहले से होते हैं और जो प्रोटीन हमारे बॉडी में पहले से होते हैं, तभी हम लोग उस दिन पूरी तरह से वर्क कर पाते हैं। वरना हम लोग कुछ कंज्यूम नहीं करते और हमें कुछ भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता और हम फिर भी काम करते रहते हैं, तो वो हमें एनर्जी इस फॉर्म में इस वजह से हमें मिलता है। फिर एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रह सकते, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया, और ये लोग क्या करते हैं, इन लोग को अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। ये लोग ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन, दो ऐसा स्टेप से ये लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब जो ग्लूकोज होता है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता, जिसकी वजह से इनको लेस अमाउंट में एनर्जी इनको फॉर्म होती है। मतलब जो ये ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइजेशन इसका नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनके रेस्पिरेशन में इनको कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है। अब जब ग्लाइकोलिसिस ऑर्गेनिक एसिड में या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है एंजाइम्स के हेल्प से, तो इसमें पाइरुविक एसिड फॉर्म होता है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, जबकि बहुत सारे जो हायर प्लांट, मतलब बहुत टॉल प्लांट्स रहते हैं, और कुछ एनिमल्स भी, मतलब जो टॉल प्लांट रहते हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और कुछ एनिमल्स भी जिनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ये लोग भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। यानी इनको तो एरोबिक रेस्पिरेशन करना चाहिए, लेकिन ये लोग भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाता। जैसे कि कुछ सीड्स जब जमीन के अंदर रहते हैं, जब उनका जर्मिनेशन होता है, जब वो लोग उगते रहते हैं या फिर पानी के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाता है, यानी वो लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं, वे लोग भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कभी करते हैं वो लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हम एक्सरसाइज करते होते हैं या फिर हम बहुत मेहनत वाले काम करते रहते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, यानी जितना उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, वे लोग भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करना, यानी जो मसल सेल होते हैं वे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से उन्हें एनर्जी तो बहुत लेस अमाउंट में ही प्रोड्यूस हो पाती है, यानी वे एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी बहुत लेस अमाउंट में ही प्रोड्यूस होगा। याद रखना, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो वहाँ पे एनर्जी बहुत ही लेस अमाउंट में ही प्रोड्यूस होता है। और लैक्टिक एसिड भी उस टाइम प्रोड्यूस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके वजह से हमें थकान फील होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी स्टेप बाई स्टेप क्या क्या है, मतलब इसे हम लोग पढ़ी चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसे आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट, मतलब अलग अलग कंपोनेंट से मिल करके एनर्जी मिलता है। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, वो कब होती है, जब कार्बोहाइड्रेट लीवर या फिर मसल्स में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। तो प्रोटीन का सोर्स कहाँ होता है और वो प्रोटीन बनता कहाँ से, मतलब कैसे बनता है, कैसे मिलता है? प्रोटीन जो होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल से फॉर्म होता है। हम लोग ये लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोटीन फॉर्म कैसे होता है। प्रोटीन अलग अलग अमीनो एसिड्स के, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स रहते हैं, वे लोग आपस में आके बॉन्ड बनाते हैं, जमा होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का फॉर्म होता है, यानी फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। जो एनिमल्स से प्रोटीन मिलता है उसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाता है, यानी वो प्योर प्रोटीन होता है, और पर ग्राम प्रोटीन में से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तब अमीनो एसिड फॉर्म होता है, और अमीनो एसिड जो होता है वे बॉडी के हर एक पार्ट में, जब ब्लड हमारा सर्कुलेट होकर हर एक पार्ट में जाता है तो वो हर एक बॉडी पार्ट में अमीनो एसिड को पहुंचाता है, और इस अमीनो एसिड के वजह से
अमीनो ऑर्गेन्स और सेल, ये लोग अलग अलग प्रोटीन का काम करके बॉडी के अलग अलग फंक्शन करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं अलग अलग अमीनो एसिड्स के। जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जो अमीनो एसिड रहता है वो क्या क्या काम करता है, यानी स्किन, मेलानिन और केराटिन को सिक्योर करता है, बोन्स के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग अमीनो एसिड उसका नाम है ओसेइन, स्किन के लिए मेलानिन और केराटिन यूज़ किया जाता है, और सेल्स के लिए अलग अलग प्रोटीन्स जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम्स, ये लोग इसके लिए यूज होते हैं, पैंक्रियास के लिए इंसुलिन और ट्रिप्सिन यूज़ करते हैं, यानी ये अमीनो एसिड का नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए अलग अलग हार्मोन्स यूज किए जाते हैं, मसल्स के लिए एक्टिन और मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन यूज़ किए जाते हैं, ब्लड के लिए हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज यूज़ किया जाता है। यानी ये प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स के नाम है और प्रोटीन के नाम है, मतलब कौन सा कहाँ पे क्या टाइप का वर्क करता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम आज के हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। जो फैटी एसिड और अल्कोहल का केमिकल बॉन्ड होता है, अलग अलग सब्सटेंसेस में फॉर्म होते हैं, उसे बोला जाता है लिपिड्स। यानी फैटी एसिड और अल्कोहल का जब केमिकल बॉन्ड होता है, दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड बनाया जाता है, तो लिपिड्स फॉर्म होता है। और जब ये जब लिपिड का डाइजेशन होता है तो उसे हम कंज्यूम करते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि फैटी एसिड और अल्कोहल ही वापस से कंजर्व होके बनता है। फैटी एसिड जो होता है ये बॉडी में हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो हम लोग ने अब्जॉर्ब किया है, हम लोग अब्जॉर्ब करते हैं फैटी एसिड, ये बॉडी के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इन फैटी एसिड्स की वजह से अलग अलग सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जिस हिसाब से उनका ज़रूरत रहता है उस हिसाब से सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मॉलिक्यूल्स जो कि फॉस्फोलिपिड्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फैटी एसिड को फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं, वे इनके वजह से, यानी ये इस लिपिड्स की वजह से फॉर्म होते हैं। और इसके अलावा जो फैटी एसिड होता है वो कुछ हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरॉन एट्सेट्रा, ये लोग मतलब ये अलग अलग टाइप के हार्मोन्स हैं जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस में यूजफुल होते हैं, उनको फॉर्म प्रोड्यूस करने में ये यूज होता है। और ये पूरा एक्सोन और नर्व, जो नर्व सेल का एक्सोन रहता है पूरा उसको कवर करके रखता है। पर ग्राम लिपिड्स में हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और जो लिपिड्स होता है वो एडिपोज और कनेक्टिव टिश्यूज में स्टोर किया जाता है, यानी मोस्टली इसमें ही बनता है। अब विटामिन्स जो होते हैं ये अलग अलग हेट्रोजेनस टाइप कंपाउंड के ये ग्रुप होते हैं, और सब के सब विटामिन्स का अलग अलग काम होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है बॉडी में। 6 टाइप के विटामिन्स होते हैं, ए बी सी डी और ई और के, जिसमें से ए डी ई और के ये लोग फैट में सोलूबल होते हैं, यानी फैट में पूरी तरह से ये लोग घुल जाते हैं, और बी और सी जो होता है ये वाटर में सोलूबल होते हैं, यानी वाटर में ये लोग मिक्स हो जाते हैं। हमने देखा है कि FADH2 और NADH2 इस प्रोसेस में जब ये प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की वजह से ये लोग फॉर्म होते हैं। कुछ विटामिन जैसे कि राइबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 बोलते हैं, और निकोटिनामाइड जिसको विटामिन B5 बोलते हैं, ये लोग इसके यानी FADH2 और NADH2 के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। हमारे बॉडी में 65-70% वाटर होता है, और हर एक सेल 70% वाटर अपने उसके वेट के हिसाब से 70% वाटर वो भी स्टोर करके रखता है, और जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें भी 90% ऑफ वाटर उसका होता है, जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें प्लाज्मा के हिसाब से 90% वाटर होता है, और पूरे बॉडी में बिना किसी जब भी कभी लॉस वाटर का लॉस होता है या फिर बॉडी डिस्टर्ब होती है तो उसमें ये सेल्स अपने वाटर का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से जो वाटर है ये बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है।
इसके साथ ऊपर जो मेंशन किए हैं, जो हम लोग ने पढ़े न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स, ये लोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। और हम लोग फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो फूड के अंदर जो फाइबर्स हमें मिलते हैं उन्हें हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग डाइजेशन करवाने में, यानी जो फाइबर होता है डाइजेशन करवाने में हमें हेल्प करता है। जो भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती उसमें अगर हम लोग कुछ फाइबरस फूड हम लोग मटेरियल ऐड करते हैं तो वो लोग उसे डाइजेशन करने में हेल्प कराते हैं। और जो फाइबर होता है वो हमें लीफी वेजिटेबल्स यानी ग्रीन वेजिटेबल्स से हमें, और फ्रूट से और सीरियल से हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ये जो पार्ट वन का हाफ पार्ट। आज हम लोग ने इसे इतना कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे लेसन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर जो भी डाउट है तो अभी लाइव चैट का ऑप्शन है या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं। और उसके पहले इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और स्टूडेंट्स, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये पढ़ने का मौका मिले, उन्हें भी ये चांस मिले। थैंक यू दोस्तों।